हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। फ्रेंड्स, मैं आज बाबा के बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे साई बाबा के इस दुनिया में लाखों करोड़ों भक्त हैं, लेकिन हम साई भक्तों को पता है कि बाबा के सिवा हमारे लाइफ में हमारा अंत तक साथ देने वाला कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, साई बाबा के मिरेकल्स हर एक साई भक्त के जिंदगी में घटते ही है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स मेरे भी जिंदगी में घटे हैं जो बाबा से रिलेटेड है, लेकिन उनमें से आज एक मिरेकल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड रात को हमारे घर लौट रहे थे, और लौटते समय रास्ते में एक साई बाबा का मंदिर है, वो महाराष्ट्र कागल में है, बहुत बड़ा मंदिर है वो। तो रात के 9 बजे थे और मंदिर 8 बजे बंद हो जाता है, और हम वहां से जा रहे थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि मुझे साई बाबा के मंदिर में जाना है और मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, तू क्या पागल हुई है क्या, अभी कैसे तू साई बाबा के मंदिर में जाएगी, मंदिर तो 8 बजे बंद होता है और अभी 9 बजे हैं। तो मैंने कहा, नहीं, मुझे जाना ही है, मैं जाके ही आऊंगी। इस बात पे हम दोनों की कुछ देर तक अनबन हो गई, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, उतर जा गाड़ी से और तू अकेले जा, मैंने आने वाला। मैंने बोला, ठीक है, मत आइए। मैं गाड़ी से उतर गई तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या तेरे साई बाबा तेरे लिए मंदिर खोल देंगे। तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि हाँ, मेरे बाबा मेरे लिए मंदिर खोल देंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो बात मैंने मजाक में ही बोल दी है, वो बात अंदर जाके सच होने वाली है। उसके बाद मैं अंदर गई, मैंने वो गेट खोला। वो मंदिर बहुत बड़ा है, गेट खोलने के बाद भी अंदर चल के जाना पड़ता है, और फिर उधर बाबा का मंदिर है। बहुत अंधेरा था, सन्नाटा छाया हुआ था, कोई नहीं था मंदिर में। मैं अंदर गई, अंदर जाने के बाद ऐसा शटर था, और शटर के अंदर से, मतलब मैं शटर के बाहर थी और अंदर बाबा की मूर्ति के दर्शन हो रहे थे। तो मैंने शटर को पकड़ा और मैं बाबा से बोल रही थी कि बाबा, मैं तो आपके लिए, आपके दर्शन लेने के लिए, मैं तो मेरे हस्बैंड से झगड़ के यहाँ तक आ गई हूँ, और आप हो कि शटर बंद करके अंदर बैठे हो बाबा, और मैं आई हूँ कि आप मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलोगे, तो प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बाबा को कहा, बाबा या तो आप खोलो दरवाजा या फिर मैं चली जाती हूँ। तो रिसेंटली एक लड़का भाग के आया और उस लड़के ने वो ताला खोल दिया। ताला खोल देने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ए लड़का कहाँ से आया, यहाँ तो कोई नहीं था, मैं तो अंदर आई तब कोई नहीं था, अब ये कहाँ से आ गया। फिर उसने मुझे बोला कि मैम, मेरे कुछ चीज़ें अंदर रह चुकी हैं, उसमें नारियल था या फिर शाल थी जो बाबा को चढ़ाते हैं, और मैं वो लेने के लिए आया हूँ। अगर आपको दर्शन लेने हैं तो फटाफट से अंदर जाइए और दर्शन लेके बाहर आइए, मैं अभी दरवाजा बंद करने वाला हूँ। उसने ताला खोला, वो अंदर गया, उसने उसका सामान दिया। तो मैं इतनी खुश हो गई थी कि मैं भी उसके साथ अंदर गई, मैंने बाबा के दर्शन किए और मैं बाहर निकल आई। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाबा को कहा ही था कि मैं, आप खोलते हो या मैं चली जाऊं, मैं आपके लिए आया हूँ। तभी एक लड़का आता है, वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाके मैं दर्शन लेके बाहर आती हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे भक्तों, कि वो लड़का कहीं पे गायब हो चुका था। वो लड़का उधर नहीं था, जो मेरे पीछे से आया था, जिसने दरवाजा खोला था, मैंने उसे देखा था, उसका नारियल अंदर रह चुका था, ऐसा वो मुझे बोल रहा था, और वो लड़का कहीं गायब हो चुका था। तो मैं गई, दर्शन लेके बाहर आई, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि ऐसा कैसे हुआ, और मैं भाग के बाहर आई। मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरे, मेरे बाबा से मैंने बोला क्या, फिर बाबा ने आके दरवाजा खोल दिया। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हमारे लाइफ में घटते हैं, और बाबा जो है बहुत महान है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। बाबा की असीम कृपा आप सब पे बनाए रहे। ओम साई राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।